मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। स्वस्थ भये अनेक जन करके प्रभु से योग, नाथ अनुग्रह से भये रोगी बहुत निरोग। महा अनुग्रह नाथ का जान गया संसार, बिन औषध ही रोग का करते थे उपचार। भूल गया था योग को उस काल संसार, कीना तब अनाथ ने पुनः योग उद्धार। लवपुर जिन जिन योग को कीना प्रभु से आन, निरोग भये वे सब जन दुख से जो परेशान। महा अनुग्रह नाथ का भया जगत पैमीत, क्रांति लाई योग की एक अनोखी रीत। भागीरथ लाया गंग तब कीन देश खुशहाल, राम ले आया योग अब देश जभी बेहाल। समान अनुग्रह दो का उपमा जिसकी नाही, महापुरुष इतिहास के चर्चा है सब थाही। योग विरोधी लोग भी लागे करने योग, की ग्रहण प्रभु शरण तब त्याग जगत के भोग। षट कर्म सब योग के आसन मुद्रा साथ, प्रभु सिखलाते सबन को खुद अपने ही हाथ। गोपालानंद को प्रभु लाए लवपुर साथ, दीना अवसर सेवका भया था वह सनाथ। उस पैकेन अनुग्रह सेव करत मन लाए, प्रभु भक्ति और योग को नगरी दीन फैलाए। लोकप्रिय वह हो गया उस नगर के बीच, प्रभु भक्ति की लहर वहां विस्तृत भई समीच। साधन सब हठ योग के राजयोग भी साथ, जनता को सिखलात वह जनगण भय सनाथ। राम की कृपा जब भय होत सफल सब काम, राम अनुग्रह मुख्य है राम ही सुख के धाम। कुछ काल के बाद फिर आए मुलख लाहौर, प्रभु ने था गोपाल को
भेजा दूसर ठौर। लवपुर का आचार्य जब भया मुलख जी राज, प्रभु कृपा से और अधिक लागा होने काज। सभी योग के साधना प्रभु भक्ति भी साथ, प्रभु कृपा से होन लगी जनता भई सनाथ। षट कर्म के साधना और प्राणायाम स्वामी जी से सीखते आए प्रात व शाम। परम अनुग्रह नाथ का देश पर तंत्र मांझ, करते आजन योग थे प्रातः अथवा सांझ। रोगी ला इलाज बहु कीने योग निरोग, जान लिया संसार ने योग निवारे रोग। प्रभु कृपा से योग का हुआ पुनरुद्धार, लवपुर में तो योग का भया बहुत प्रचार। साधन सब हठ योग के सीखें आकर लोग, दूर भय बहु जनन के नजला आदि रोग। उतरे चश्मे आंख के मस्तक के वारोग, दम आदि बहु व्याध से मुक्त भय बहु लोग। प्रभु विराजत अमृत सर मुलख राज लाहौर, फैल गई थी योग की प्रसिद्धि चारों ओर। मल्लन एक अंग्रेज का बिगड़ा बहुत जुकाम, नेति क्रिया से भया पूर्ण उसे आराम। जाकर निज उस देश में कीना सबन बखान, भारत का जो योग है जानो ज्ञान महान। अनुग्रह इस विध नाथ का होत सभी पैमीत, भेद भावना चित्त धरें प्रभु की सबसे प्रीत। देन शुल्क वे सीख थे उनका यह फरमान, योगिक विद्या बेचना एक गुनाह महान। सब जन आते सीखते साधन वे बिन खेद, दृद्र व अदृद्र का प्रभु चरणी नहीं भेद। प्रभु देते उपदेश थे सबल बनो कर योग, दुर्बलता एक दोष है महादोष है रोग। षट कर्म सिख लाय कर जीवन तत भी साथ,
बिठलाते थे ध्यान में, खुद योगेश्वर नाथ। दही दूध व सब्जियां यह यौगिक आहार, वर्जो राजसिक खाना जिसका है प्रचार। जन भूले थे योग को, प्रभु जी की न सचेत। मानव जीवन है मिला योग मोक्ष के हेत। तीर्थन में भी योग का ना था मिलत निशान। ऋषिकेश में जाय कर प्रभु लीना स्थान। योग साधन का आश्रम वहां बनाया नाथ। योग धाम एक खुल गया गंगा तट के साथ। साधु जन अनभिज्ञ जोय योग धर्म से मीत। आकर शरणी नाथ की योग करें लाचीत। परम अनुग्रह नाथ का तीर्थ था भया पवित। ऋषिकेश जो कृष्ण का हुए योग वहनित। साधु और गृहस्थी जन समझ लेन यह बात। योग बिना जो धर्म है बने न उससे बात। ईश्वर घट घट बसत है सभी कहें यह बात। योग बिना ना हो सकत ईश्वर का साक्षात। योगाश्रम की स्थापना कीनी जब भगवान। नियम बनाए नाथ ने दीना सबन ज्ञान। दिनचर्या जो सबन की वह भी दीन बताए। प्रभु अनुग्रह से भक्त थे उस पर चल पाए। दिनचर्या नर नारी की पृथक पृथक लिखवाई। साधुन की भी नाथ ने अलग ही बनवाई। कर अनुग्रह सबन पर कीना प्रभु सचेत। योग धर्म ना सुगम है जो मुक्ति हेत। आसन अनेक योग के प्रभु सिखलाए आन। योग मुद्रा का प्रभु जी दीना सूक्ष्म ज्ञान। 21 मुद्रा योग की सबका दीना ज्ञान। इनके लाभ विशेष जो सबन बतलाए आन। प्रभु का यह उपकार तो रहे सदैव स्मरण। ऋषि मुनियों की सीख पर होए सदा आचरण।
महाभेद अभ्यास से जागृत कुंडली होए महा अनुग्रह नाथ का बोध कराया जोए भ्रमित भया संसार था माया के पड़ पाश प्रभु छुड़वाया जगत को करा स्वयं अभ्यास होत कुंडली काज भी सहस्रार में वास काल चक्र से मुक्त जन बात बताई खास मुद्रण का अभ्यास तो जिनकी ना जग आन रोग मुक्त वे हो गए प्रभु अनुग्रह मान दिव्य ऋषियन की विद्या को भूला संसार मुद्रा प्राणायाम का प्रभु की ना प्रचार दुखी जीव बहु जगत में सुखी दिखे ना कोय शरण प्रभु की जो गहे छूटे दुख से सोए बहुत ऐसे प्रमाण है हुए सुखी जो लोग प्रभु शरण में आय कर कीना जब उन योग विधवा नारी एक थी ऋषि देवी था नाम मिली शरण जब नाथ की दुख का रहा ना नाम प्रभु भक्ति में लग गई बैठ समाधि बीच ब्रह्मानंद प्राप्त भया सुख भया समीच प्रभु सेवा में रह रत सबन कराती योग धन्य धन्य कहते उसे आश्रम में आलोग ऐसी ही एक और भी दुख की मारी नार वैधव का दुख सह रही रहती प्रभु पुकार नहीं सुने प्रभु बात को बिना गुरु के मीत बहुत दुखी हो बोलती किस्मत मम विपरीत गुरु रूप वहां थे प्रभु जाने उसका हाल आ गई जब शरण में द्रौपदी भई निहाल अनुग्रह उस पे जो भया वह था आशातीत भूल गया सब दुख उसे लगा योग में चीत सीखा उसने योग को नित आश्रम में आए आज्ञा प्रभु की पाय कर नारिन को सिखलाए सकल विश्व पर नाथ का है अनुग्रह मीत चर अचर सब जगत पर
जान अनोखी प्रीत। द्वापर तारी द्रौपदी साड़ी दे भगवान, कलियुग तारी द्रौपदी दे योग का दान। दर्शन की थी लालसा, ललना को हर काल, बिन दर्शन के होत थी द्रौपदी बेहाल। करते प्रभु जी ज्ञान की उससे जब कुछ बात, अर्ज करत थी द्रौपदी प्रभु से तब साक्षात। नम्रता से कहत वह, हे मेरे भगवान, अपने मन की मैं कहूँ, समझ सकूँ न ज्ञान। दर्शन की है लालसा, दर्शन की ना चाह, दर्शन से भक्ति मिलत, दर्शन ब्रह्म अथाह। इतना कह कर गिर पड़ी प्रभु चरणी बैसुध, प्रभु दर्शन में खो गई उसकी सारी सुध। कृपा कर तभी नाथ ने दीना उसे उठाए, गहन वचन जो उस कहे सुन प्रभु मुस्काए। गूढ़ बात को श्रवण कर मुस्काए भगवान, दीना दिव आशीष तब और कृपा का दान। कहा नाथ हे द्रौपदे, कथी गूढ़ तू बात, सरस्वती का वास हो तव घट में साक्षात। काव्य कला तुम को मिले, रचो भक्ति के गीत, भक्तों के मन में बढ़े जिमी प्रभु पग प्रीत। प्रभु अनुकंपा पाय कर रचने लागी गीत, मधुर स्वर उसको मिला गाती रहती गीत। वरदानी है नाथ जी देते हैं वरदान, लेने वाला चाहिए खुला भंडारा जान। प्रभु जी ने एक और भी था कीन उपकार, रचे योग के ग्रंथ कुछ योग का हो प्रचार। रचे योग की पुस्तकें जो पढ़ सके हर कोई, योग प्रति हो आस्था रुचि साधन में होए। रहस्य भक्ति वा योग के प्रभु खोल बतलाए, की अनुकंपा जगत पर ज्ञान विशद दे पाए। योग भक्ति की पुस्तक जो लिखी थी नाथ,
मुद्रित वह करवाय कर भक्तन के न सनाथ। है योग भक्ति दर्पण पुस्तक का अभिधान, भक्ति विषय व योग का उसमें विशद बखान। इस पुस्तक में प्रेरणा है दीनी भगवान, जीवन में गुण धार कर योगी बनो सुजान। चंचल मन को वश करें करके साधन योग, गुरु योगी की शरण को ग्रहण करें सब लोग। मोक्ष का मार्ग योग है स्पष्ट बताया नाथ, प्राण साधना हो किमी भी बतलाई साथ। मन प्राण की एकता योग का आधार, उपासना ओंकार की करती भव से पार। महा अनुग्रह नाथ का है जगती पैमीत, गूढ़ रहस्य स्पष्ट किए अति सरल ही रीत। जो ज्ञान था लुप्त भया उसे उजागर कीन, ज्ञान साधना योग की थी जनता ने लीन। और ग्रंथ भी नाथ ने लिखवाए उस काल, नूतन जन में ज्ञान था विदित ना था उस काल। नेत्र ज्योति प्रकाशिनी इस ग्रंथ का नाम, आकार लघु पर ग्रंथ है योग साधन का धाम। यह अनुकंपा नाथ की नेति जो सिखलाई, नेति के अभ्यास से जनता दृष्टि पाई। उस काल नहीं विदित था नेति का कुछ बोध, योग साधना से भी जनता परम अबोध। जिनको नाथ करवाया नेति का अभ्यास, स्वस्थ भये वे सभी जन उपजा मन विश्वास। नजले से जो ग्रस्त जन अथवा दृष्टि रोग, नेति क्रिया कीन जब स्वस्थ भये वे लोग। उसी काल कुछ और भी भया ग्रंथ निर्माण, जनता के भ्रम दूर हो योग को दें अधिमान। सुगम नहीं यह काम था उस काल लो जान, फारसी का प्रचार था वा उर्दू का मान। आंगल भाषा पनपति
उस सर्वत्र काल। अपनी भाषा संस्कृत थी भई बेहाल, योग को न को जानता इसका था अपमान। भीख मंगों की विद्या इस विद लेते जान, ऐसे काल कराल में प्रभु की न ललकार। ऋषि मुनियों के वंशज मेरी सुनो पुकार। योग धर्म का मूल है, संस्कृति का आधार। भूल इसे क्यों भटकते, योग सुखों का सार। आओ सीखो योग को बिन औषध उपचार। शांति चित को भी मिले खर्च ना किसी प्रकार। योग सिद्धि एक पुस्तक तब लिखवाई नाथ। पनप रहे जो भ्रम अब मिटे सभी एक साथ। हठ योग का ज्ञान बहु योग भक्ति उस संग। अन्य विषय भी और हैं इस ग्रंथ के अंग। ज्ञान यहाँ पर है दिया कर कृपा भगवान। योग साध कर हो सकत किस विध जन बलवान। धर्म कर्म सिद्ध होत है योग के आधार। सुख देह को मिलत है शांति चित्त अपार। केवल गुरु से मिलत है यह योग का ज्ञान। क्लेश मिटे जिससे सकल सकल रोग निदान। सभी सकें कर योग को वृद्ध होए या बाल। योगी दर समान सभी धन पद का न सवाल। योगी के दर आय कर खाली जात ना कोय। होत भाव अनन्य जहां कृपा उसी पे होय। ऐसे ऐसे भाव हैं लिखे ग्रंथ के मांझ। पुस्तक योग सिद्धि की पढ़िए प्रातः सांझ। योग प्रति जो भ्रांत थी क्रमशः होती दूर। योग साधना हित जन आश्रम आते जरूर। कीना था विचार यह राम लाल भगवान। फीके हैं बिन भक्ति के साधन योग महान। रचवाया तब ग्रंथ उन वर्षा योग प्रेम। मुलख राज निज शिष्य से जिस मन अखंड प्रेम।
श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम।